दिनांक 27 अप्रैल 2024 को संपूर्ण विश्व में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। रजिस्ट्रार डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सक न केवल पशु लोगों की रोकथाम और नियंत्रण में बल्कि फूड सेफ्टी, मानव स्वास्थ्य और समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद भोपाल द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2024 को संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल के सभागृह में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिकेत सान्याल, संचालक राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल द्वारा तथा अध्यक्षता डॉक्टर इलैया राजा टी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर के मोहिया, संचालक पशुपालन, डॉक्टर आर के रोकड़े पूर्व संचालक, डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष इंडियन वेटनरी एसोसिएशन नई दिल्ली तथा मनोज गौतम अध्यक्ष प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वेटनरियंस आर एसेंशियल्स हेल्थ वर्कर्स विषय पर परिचर्चा की गई तथा पशु चिकित्सकों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदेश के 15 पशु चिकित्सकों को उनके बहुआयामी कार्यों हेतु सालीहोत राज्य स्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। भोपाल से हमारे रिपोर्टर आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। चिकित्सा दिवस पर देश के समस्त चिकित्सकों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। भारत की अर्थव्यवस्था में देश के वेटरनरियन बहुत बड़ा योगदान है वेटरनरियन का, और आज जिस तरीके से भारत के पशु चिकित्सक समस्त राज्यों में किसानों की आय में दोगुना करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और आज पूरे दुनिया में एक कंसेप्ट है वन हेल्थ कि अगर एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ तो इन्वायरमेंट, तीनों ही स्वास्थ्य को एक दृष्टि से देखना होगा। और मनुष्यों में भी नई जो बीमारियाँ आ रही हैं वो ज़्यादातर ऐसी हैं जो जेनेटिक हैं, 75%, इसलिए पशु स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है। और आज कुछ सम्मान भी हुए इस कार्यक्रम में। हाँ, आज से हमने पहली बार सालीहोत हमारे जो एक पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक थे, ऋषभ पितामह थे, जिनको कि इन्होंने आज से महाभारत काल के पहले घोड़ों पे चिकित्सा का कार्य किया, उनके नाम पर हमने आज से सालीहोत अवार्ड स्टार्ट किया है। और हमारे जो एक्सीलेंट आपने देखा वो अवार्ड हमने दिए हैं। कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसके पीछे पूरा जो है इस कार्य के पीछे आपका सब लोग किस तरीके से देखते हैं? मेरा तो नहीं, सभी टीम का काम है, और हम सब अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, पशुपालकों के लिए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट गरीबी रेखा के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़े हैं, पशुओं के सेवा करना, उनकी चिकित्सा करना, कहीं ना कहीं पशुओं की पीड़ा को दूर करना, साथ में उनसे जुड़े हुए जो लोग किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके पशुओं की स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और जो ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम बरसों से कर रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिले, उनका सम्मान मिले, यही हमारी इसकी विजय धारणा है। ठीक, आगे भी यही धारणा रहेगी। आप लोग, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपने इस कार्यक्रम को कवर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ, आज मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद की ओर से पशु दिवस के ऊपर में एक साली पुत्र राज्य स्तरीय सम्मान का आयोजन किया गया, क्या है यह पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से उसको मना रहे हैं? जी, जैसा कि आज जो है वर्ल्ड वेटनरी डे है, विश्व भर में जितने भी पशु चिकित्सक बेजुबान निरीह पशुओं की सेवा सुश्रुषा में है, उन सभी के कार्यों को रेखांकित करने के लिए, पशुपालन विभाग और पशु चिकित्सा के कार्यों को रेखांकन करने के लिए आज का वर्ल्ड वेटनरी डे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और अभी PRPCS VCI की सौजन्य से हमारे डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में पहली बार सालीहोत्र उत्कृष्टता पशु चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। इसमें वो सभी हमारे पशु चिकित्सक भाई बंधु जिन्होंने लार्ज एनिमल प्रैक्टिसेस में अच्छे काम किए हैं, स्मॉल एनिमल्स में अच्छे काम किए या इनोवेटिव प्रोजेक्ट कर, इस तरह से 13 कैटेगरी में राज्य स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाने हैं, उसी का ये जो सम्मान समारोह है और आज का विश्व पशु चिकित्सा दिवस का समारोह हमारे डायरेक्टरेट में मनाया जा रहा है। कौन कौन उपस्थित रहे और क्या थीम रहेगी इस बार की? इस बार की जो थीम है कि वेटरिनेरियंस आर द एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स इन द सोसाइटी, किस तरह
तरह से एक पशु चिकित्सक समाज में और सोसाइटी के बॉटम में जाकर ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर हम पशु स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, ये इस बार का थीम है और उसी के सेलिब्रेशन के लिए हम सभी यहाँ कौन कौन उपस्थित रहे। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर सर, हमारे पूर्व डायरेक्टर सर डॉक्टर रोकड़े सर, टी इलैया राजा जो की एक वेटरनेरियन है वो उपस्थित है, साथ ही साथ में जो निषाद हमारी जो हाई सिक्योरिटी लैब है उसकी डायरेक्टर डॉक्टर सान्याल सर उपस्थित है। इसके अलावा जो 13 कैटेगरी के हमारे विभिन्न अवार्डीज हैं वो सभी आज उपस्थित हैं हमारे साथ। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। जी मैं डॉक्टर उमा कुंडे परते डायरेक्टरेट में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर